हर हर महादेव प्रेमिला जी। प्रेमिला जी कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं सर, महादेव का कृपा है सर। अच्छा, अपने बारे में बताइए। और ये सावन महीना चल रहा है तो काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन किया कि नहीं किया? अब कल जाने वाले हैं सर, आज आपसे मिल के कल जाएंगे महादेव के दर्शन करने। तो मेरी तरफ से भी मत्था टिकवा दीजिए। बहुत हाँ सर, मना लेंगे। प्रमला जी बताइए। हम सिगड़ोल का रहने वाले हैं सर, और सिगड़ोल का रहने वाले हैं। मैं एक गृहिणी हूँ सर, मेरे पास 4 बच्चे हैं और मेरे एक छोटा किराने की दुकान है जो मैं चलाती हूँ। अगर योगी जी की सरकार के पहले कितनी बिजली आती थी, अब उस हालत में किस तरह सुधार हुआ है? सर, मेरे द्वार के पास एक खंभे था बिजली का, जिसमें से बहुत ज्यादा तार फैले हुए थे, इसमें बहुत ज्यादा खतरा बना रहता था। जो अब अंडरग्राउंड हो गया है, सारे तार खत्म हो गया है, इसलिए हम लोग का अब बहुत मतलब अच्छा फील होता है। पहले तो आसमान में देखते थे तो तार ही तार दिखते थे, अब तो काशी भी सुंदर लगता है। अब बहुत अच्छा काशी सुंदर लगता है सर, बनारस बहुत अच्छा लगता है। अच्छा प्रमला जी जी, बनारस समेत जी देश के बड़े हिस्से में यही स्थिति रही है? हाँ हाँ सर। खुले तारों से लोगों की सुरक्षा को भी खतरा था। हाँ, और खुला तारों से बहुत खतरा था, फॉल्ट भी होता रहता था। आपने अभी बताया कि कैसे अब ज्यादा और बेहतर बिजली मिल रही है। बहुत ज्यादा बिजली मिल रहा है सर, कि हम तेजी से पूरे देश में बिजली की आधुनिक व्यवस्था बनाएं, लोगों का जीवन आसान करें। चलिए, सबको काशीवासियों को मेरा प्रणाम कह दीजिए, हर एक को मेरा हर हर महादेव कह दीजिए।